आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. अनुराग पवार इज इंटरनॅशनल मेकअप आर्टिस्ट, ऑल्सो टीच द स्टुडंट्स. By taking the bridal order of the wedding, reduce happy movements will colors of beauty. Not only that, we have own makeup academy. Learn the skill of makeup. We will help you to find your hidden art. Introducing you to the secret beauty files. Get your talent shaped by professionals. Anurag Makeup Studio, Kalyan West. आतापर्यंत आपण अनेक फॅशन शो पाहिले असतील, मात्र उल्हासनगर मध्ये चक्क तृतीयपंथीय आणि ट्रान्सजेंडर यांचा फॅशन शो पार पडला. वान्या फाउंडेशन आणि किन्नर अस्मिता या संस्थांनी हा आगळावेगळा फॅशन शो उल्हासनगर शहरात आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाला आमदार, पोलीस आणि सामाजिक संस्थेच्या अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली होती. या फॅशन शोमध्ये तृतीयपंथी त्याचबरोबर महिला आणि पुरुषांमधील ट्रान्सजेंडरनी देखील संगीताच्या तालावर चक्क रॅम्प वॉक केला. उल्हासनगर कॅम्प 3 रेजन्सी हॉलमध्ये कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या फॅशन शोबरोबरच तृतीयपंथीय आणि ट्रान्सजेंडरसाठी नृत्य स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्याच्या विविध भागातून 44 स्पर्धकांनी या स्पर्धेत भाग घेतला होता. 18 डिसेंबर हा अल्पसंख्याक हक्क दिवस असल्याने त्यानिमित्ताने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. समाज अजूनही तृतीयपंथीय आणि ट्रान्सजेंडरला स्वीकारत नाही, समानतेची वागणूक देत नाही, त्यांना देखील सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे हे दाखवण्यासाठी आजचा हा सोहळा आयोजित करण्यात आला असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. वान्या फाउंडेशन और किन्नर अस्मिता की तरफ से आज एक LGBT आइकन कॉन्टेस्ट रखा गया है जो कि उल्हासनगर में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है. वैसे तो किन्नर अस्मिता और वान्या फाउंडेशन हमेशा से किन्नरों के लिए बहुत सारे स्कीम्स वगैरह ऐसे कैंप्स लगाते रहते हैं, बट इसी के चलते हम सब ने सोचा कि इन किन्नरों में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, फैशन से कनेक्टेड हो, ब्यूटी से कनेक्टेड हो या इवन कल्चर से कनेक्टेड हो. जैसे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी उनकी डांस आपने देखी होगी कि कितने अच्छी तरीके से वो डांस कर सकते हैं. तो ऐसा ही एक थॉट आया कि क्यों ना हम इन सभी के लिए एक ऐसा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करें जहाँ पर, जैसे आपको पता है कि एक किन्नर भी किसी से कम नहीं है, बट हमारा जो उन्हें देखने का नज़रिया है वही अलग है, उसी में एक फ़र्क है. तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम यही मैसेज देना चाहते हैं, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का जो मेन पर्पस है ये है इक्वालिटी इनिशिएटिव बाय वान्या फाउंडेशन एंड किन्नर अस्मिता. हमारा इस प्रोग्राम के थ्रू सभी से यही संदेश है कि किन्नर भी किसी भी बात में कम नहीं है, उन्हें भी उनके हक मिलने चाहिए, उन्हें भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए. और आपने आज देख लिया कि उनमें जो टैलेंट है जो छुपा हुआ था, क्योंकि उन्हें कभी भी मौका नहीं मिला था उस टैलेंट को दिखाने का, और आज अगर उन्हें ये मौका मिल गया तो डेफिनेटली जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनसे भी बहुत अच्छा उन्होंने अपना जो भी टैलेंट है वो शो किया. और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जब हम रिहर्सल्स ले रहे थे इन सब चीज़ों की, तो मैंने ये नोटिस किया कि ये जो रैम्प वॉक इन्होंने किया या जो डांस इन्होंने किया वो एक नॉन डांसर या जो एक नॉन मॉडल है उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, बट मुझे इतना शॉकिंग लगा कि विद इन एन आवर इन्होंने 1 घंटे में वो प्रॉपर जो एक मॉडल रैंप वॉक करता है वो करना सीखा भी और आज आप सभी के सामने किया. तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप सभी अपने नज़रिए को बदलें और इन्हें भी जो इनके अधिकार हैं, इनके हक हैं वो. पहली बात तो किन्नर समाज में मैं कई सालों से रहती हूँ और ये उल्हासनगर में ही रहती हूँ. किन्नरों के लिए जो भी आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम एक उनका टैलेंट बताने के लिए है, लेकिन किन्नर बहुत टैलेंट होते हैं, उनके टैलेंट को बाहर निकालने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट है हमारे रेखा मैडम का. तो उसके थ्रू आज पहली बार उल्हासनगर के अंदर किन्नर समाज ने अपना टैलेंट को प्रदर्शित करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे कि समाज हमको अपना है और समाज से हम दूषित नहीं रहना चाहते, कि समाज में भी हम एक हिस्सा है, एक भाग है और समाज में जितने भी लोग जैसा पढ़े लिखे हैं वो नौकरी करते हैं या कोई काम करते हैं, ऐसे हमारे किन्नरों में भी पढ़े लिखे हैं. सरकार की नज़रिया हमारे किन्नरों पे पड़ना चाहिए, जो जिसके लायक है, टैलेंटेड है, उसको वो काबिल बनाने के लिए सरकार ने हमारे तरफ एक नज़रिया डालना चाहिए. और हमारे ये स्टे होल्डर ऐसे ये हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है या हमारे समाज सेवक है या हमारे हित में है किन्नरों के लिए,
उनको उनके तक ये मैसेज जाना चाहिए। ये नाम? मेरा नाम मुजरा लकी बकश, किन्नर अस्मिता, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अशा कार्यक्रमांमुळे तृतीयपंथ आणि ट्रान्सजेंडर यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात उपयोग होणार आहे। आकाशाने स्वानंद मीडिया उल्हासनगर। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।